सितंबर का महीना आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लेकर आया है जो सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डाल सकता है। ये बदलाव आधार अपडेट, क्रेडिट कार्ड, विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट और रुपए कार्ड से जुड़े हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में जो सितंबर के महीने में लागू हो गए हैं और आपकी व्यक्तिगत वित्त योजना को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार अपडेट की मुफ्त सेवा की अवधि 14 जून से 14 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी है। इस अवधि में लोग अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक जानकारी को मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड की शर्तों में संशोधन किया है जिसमें न्यूनतम देय राशि यानी MAD और भुगतान की देय तिथि शामिल है। ये नए नियम सितंबर 2024 से लागू हो चुके हैं। वहीं HDFC बैंक ने भी अपने VCS क्रेडिट कार्ड पर लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव किया है जो 1 सितंबर 2024 से प्रभावी है। IDBI बैंक की उत्सव FD की वैधता बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 कर दी गई है। इस योजना के तहत 300, 375, 444 और 700 दिनों की अवधि के लिए विभिन्न ब्याज दरें दी जा रही हैं। इसी तरह इंडियन बैंक और पंजाब एवं सिंध बैंक ने भी अपनी विशेष FD योजनाओं की अवधि बढ़ा दी है जो अब 30 सितंबर 2024 तक वैध हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की अमृत कलश योजना भी 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है जिसमें निवेशकों को 7.10% का रिटर्न मिल रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के निर्देश के अनुसार सभी बैंकों को अब रुपए क्रेडिट कार्ड और UPI ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट या अन्य बेनिफिट्स नहीं काटने चाहिए। यह नियम 1 सितंबर 2024 से लागू हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने भी सभी कार्ड जारीकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे ऐसे किसी भी विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें जो उन्हें अन्य नेटवर्क का उपयोग करने से रोकता हो। यह निर्णय ग्राहकों की स्वतंत्रता और पसंद की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। ये नए नियम 6 सितंबर 2024 से प्रभावी होंगे।